हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों? आइए, बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। आज वीडियो बनाने के लिए रेडी हुई हूँ। कैसी लग रही हूँ ये देखिए, मेरे इतने लंबे बाल हो गए हैं, मैंने चोटी लगा रखी है अंदर से स्क्वायर करके। कैसी लग रही हूँ आज का लुक बताइए। तो पहले तो मैं मेरे चैनल पर तो आइए दोस्तों, अब बनाते हैं लौकी की बर्फी। तो हम आ गए हैं अपनी किचन में। ये हमने लौकी ली है, इसको एक लौकी है, ये बिल्कुल नारियल की सेब की तरह है, तो मैंने इसको छील रखा है। ये दूसरी लौकी है दोस्तों, ये कम से कम 1.5 किलो होगी ये लौकी, मैं छिक्कल उतार के 1.5 किलो लौकी होगी। तो इसका मैं बर्फी बना रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो, कुछ ज़्यादा चीज़ों से नहीं बनती लेकिन बर्फ़ी बहुत अच्छी लगती है। आप अपने घर में बनाना लौकी की सब्ज़ी, बच्चे कम खाना पसंद करते हैं लेकिन इसकी बर्फ़ी बहुत अच्छे से खाएंगे। तो चलिए लौकी को छीलते हैं दोस्तों। एक मैंने छील रखी है और लौकी की बर्फ़ी बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो मैं आज बना रही थी तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ दोस्तों। बहुत मेहनत से ब्लॉग बनाती हूँ, तो कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी नए हो, और सभी को जय सिया राम दोस्तों। तो आइए लौकी की बर्फी के साथ ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये लौकी देखिए कट करके रखा है, इसके सारे बीज निकाल ले हैं अपन को। तो मैं इस तरीके से निकाल रही हूँ, आप भी इसी तरीके से निकालना, बड़े बड़े बीज होते हैं। तो ऐसे लौकी के कभी से कट करके इस तरीके से उसके बीज निकाल लेंगे दोस्तों। हम कुछ भी बनाते हैं तो हमने सोचा चलो आज लौकी की बर्फी बनाते हैं। काफ़ी सारी लौकी रखी हुई थी और सब्जी बोला तो कोई भी खाने को, सभी लोग मना कर रहे थे। तो फिर मैंने सोचा चलो, 1.5-2 किलो दूध भी रखा था, 2 किलो तो सॉरी नहीं था लेकिन 1.5 किलो था। तो मैं उसका मावा बनाऊंगी और वो भी दिखाऊंगी आपको यहीं पे। बाकी मैं दोस्तों लौकी की बर्फी बनाना बहुत टेस्टी बनती है, और मैं जिस तरीके से बना रही हूँ उसी तरीके से बनाना, और बिल्कुल इजी तरीका है, ज़्यादा कुछ चीज़ें भी नहीं लगती हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम गैस ऑन किए, इस पर कढ़ाई रख रहे हैं दोस्तों। ये हमारी कढ़ाई है, आप लोगों के पास जो भी हो वो रख सकते हो, पीतल की, जिसकी, लोहे की नहीं, लोहे की भी मावा बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये अपना 1.5 किलो दूध रखा था, मेरा कल का बचा हुआ। तो मैंने कल का दूध, आज का नहीं डालते क्योंकि बच्चों को ज़रूरत पड़ती है, तो ताज़ा दूध मैंने रख दिया है। जो कल का दूध था उसका मावा बनाएंगे। ये देखिए मैंने गैस को चढ़ा दिया है। यहाँ पर मैंने ये लौकी को किस लिया है सारी, अब इसका पानी निकालेंगे दोस्तों। ऐसे इस तरीके से आप लोग भी इसी तरीके से सारा पानी निकाल देना। पानी निकाल देंगे तब गैस ज़्यादा नहीं लगेगी और अच्छा भुन जाएगा। तो मैंने इस तरीके से निचोड़ती जा रही हूँ सारी लौकी को। ये देखिए आप ऐसे निचोड़ते जाना, जोड़ जोड़ से दबा के। और कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कैसा लगा ये लौकी की बर्फी। बाकी मैं, आप लोग एक बार बनाओगे बार बार खाओगे, बहुत स्वादिष्ट बनती है। ऐसी लौकी की बर्फी आपने कहीं नहीं खाई होगी। ये देखिए तो यहाँ पर मेरा मावा बन चुका है, सारा दूध उबल के। उधर मैं लौकी को वो कर रही थी, यहाँ पर मावा बन गया है, फुल गैस पर खुला हुआ था। तो मैंने इस मावे को एक थाली में निकाल लेंगे, इसी कढ़ाई में बर्फी बनाएंगे, अलग से नहीं करेंगे अपन। तो मैंने ये मावा उसी थाली में निकाल लिया है जिसमें बर्फी फैलाएंगे। इतना सा मावा है, चलो बहुत सारा है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। यहाँ पर एक चम्मच, बड़े चम्मच से थोड़ा घी डालें आप लोग,
ये दोस्तों मलाई वाला घी है प्योर, मैंने ब्लॉग में डाला था आपको कि मैं मलाई का घी कैसे निकालती हूँ। इसमें थोड़ा इलायची पाउडर डाल देंगे घी में, फिर जो लौकी अपन ने किसी उन्हें छोड़ के वो सारी लौकी को डाल देंगे। इसको भूनेंगे, तब तक भूनेंगे जब तक इसका पानी पूरा वो ना हो जाए, सोख ना जाए दोस्तों। तो थोड़ा घी और डालेंगे, थोड़ा मेरे को कम लग रहा है, अच्छे से भून जाए ताकि। तो मेरे पास से आपके पास जो भी घी अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं, और प्योर घी होता है तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा रहता है। आपके पास जो भी घी हो आप वो डाल सकते हैं। तो चलिए लौकी को भूनेंगे गाइस, चलाते जाएंगे, तब तक भूनेंगे जब तक इसका पानी पूरा वो सोख ना जाए पूरा वो। तो इस तरीके से ढकेंगे, ढक के रख देंगे, इससे जल्दी पक जाएगा इसका पानी। यहाँ पर हम चीनी निकाल लेते हैं इसमें डालने के लिए, लौकी की बर्फी में डालने के लिए। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे मेरी चीनी में लौंग वगैरह निकल रही है, तो इसकी एक वजह बरसात के सीज़न में क्या होता था कि चींटियाँ हो जाती थी छोटी वाली बारीक वाली, तो मैंने पढ़ा था कि लौंग डालने से चींटियाँ नहीं होती हैं। तो मैंने सारी शक्कर में जो रखी हुई थी 5-10 किलो कंटेनर में, उसमें ऊपर से लौंग फैला के रख दी थी। तो वो मैं भरने गई डब्बा जल्दी जल्दी, तो वो सारी लौंग उसमें आ गई है। तो मैं इसमें से लौंग सारी निकाल लेंगे, और कम से कम 1 किलो लौकी है तो छोटा कटोरी लेंगे अंदाज से। आप स्वाद के अनुसार शक्कर डालें, आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो ज़्यादा, वैसे तो बर्फी मीठी ही रहती है। तो बस 1 कटोरी शक्कर, यहाँ पर पानी सारा एब्जॉर्ब हो गया था तो मैंने इसमें शक्कर डाल दी है। अब इस शक्कर को भी वो करेंगे कि ये सारी शक्कर जब तक वो जमने की स्टेज पे आ जाएगी तब तक इसको लौकी को इसी शक्कर में भूनेंगे अच्छे से। वो ये जमने की कंसिस्टेंसी में आ जाएगी तो फिर इसको एक थाली में घी लगा के फैलाएंगे। तो ये देखिए इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए। ये देखिए काफ़ी सारे पक गया है दोस्तों, पानी सारा सोख गया है और ये जमने की वाह में आ गया। इसी स्थिति में ये मावा जो बनाया था अपन ने, वो मावा सारा मावा डाल देंगे इसी में, और इस मावे को अच्छे से मिलाएंगे। तो ऐसे मिलाते जाएंगे। ये देखिए सारा मावा मिला दिया है मैंने। आप लोग तो ड्राई फ्रूट भी कट करके रख लें इसी बीच में, जैसे काजू बादाम आपके पास जो भी हो। मैंने थाली में घी लगा के रखा है दोस्तों, यहाँ पर ये हलवा इस थाली में फैला देंगे अच्छे से, क्योंकि शक्कर भी वो हो गई है और मावा भी हुई है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से जम गई है ये। अब इसको ठंडा होने दें। मैंने ये कुछ बादाम कट करके रखे हुए हैं तो इनको डाल देंगे इसके ऊपर से। आप लोगों के पास काजू चिरौंजी जो भी हो वो ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों। वाकई में बर्फी बहुत स्वादिष्ट बनी, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप लोग खा बनाओगे लौकी की बर्फी तो आप लोग बार बार बनाओगे, बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो ज़रूर बताना और कमेंट करके बताना कैसी लगी आप लोगों को। तो बस ब्लॉग में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय सभी।